ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट शुरू किया है जिसमें देखा जा रहा है कि क्या BCG वैक्सीन की मदद से कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में चल रहे वैक्सीन के ट्रायल में करीब 1000 लोग हिस्सा लेने वाले हैं। ये वैक्सीन 1921 में विकसित की गई थी। इसे TB की रोकथाम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये दूसरी संक्रामक बीमारियों से भी बचाव में कारगर साबित हो सकती है। लाखों लोगों ने बचपन में भले ही ये टीका लिया हो, लेकिन फिर भी उन्हें इसे लेने की जरूरत पड़ेगी। इस वैक्सीन को इस तरह बनाया गया है कि ये शरीर के इम्यून सिस्टम को एक खास संक्रमण से बचाव के लिए तैयार करता है, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि उसे देखकर लगता है कि ये दूसरी संक्रामक बीमारियों से भी हमारे शरीर को बचा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भी ये प्रभावी साबित हो सकता है। इससे पहले हुए क्लिनिकल ट्रायल में ये पता चला कि BCG का टीका पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी बिसाओ में नवजातों में मृत्यु दर को 38% तक कम करने में कामयाब रहा है। मृत्यु दर में ये कमी BCG टीके की वजह से निमोनिया और सेप्सिस के मामले कम होने की वजह से आई। दक्षिण अफ्रीका में इस टीके से जुड़े अध्ययन से पता चला कि इसके असर की वजह से नाक, गले और फेफड़े के संक्रमण के मामलों में 73% की कमी आई। नीदरलैंड में BCG की वजह से येलो फीवर वायरस के शरीर में कम होने के प्रमाण मिले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर जॉन कैंपबेल ने BBC को बताया, वैश्विक पैमाने पर ये काफी अहम हो सकता है। भले ही हम ये मान कर चले कि ये कोविड के खिलाफ उस तरह से कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन जब तक कोविड की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती या फिर उसका कोई इलाज नहीं खोज लिया जाता, तब तक के लिए ये राहत देने वाला साबित हो सकता है। BCG को लेकर ब्रिटेन में चल रहा ट्रायल एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्पेन और ब्राजील जैसे देशों में भी 10,000 लोगों पर ये ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और देखभाल में लगे उन लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण होने की आशंका सबसे अधिक है। इसलिए अगर ये वैक्सीन प्रभावी होता है तो शोधकर्ताओं को इसके असर के बारे में फौरन पता चल जाएगा। एक्सेटर के डॉक्टर सैम हिल्टन ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें कोरोना होने की आशंका किसी और की तुलना में अधिक है। उन्होंने BBC से कहा, BCG कोरोना के दौरान आपको ज्यादा बीमार नहीं पड़ने देगा, इसकी प्रबल संभावना दिखती है, इसलिए मैं इसे खुद के लिए एक बचाव के तौर पर देखता हूं। इस वजह से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि मैं इस जाड़े में भी काम पर जा सकूंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने लैंसेट में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि BCG वैक्सीन में वो क्षमता है कि वो बीमारी की वैक्सीन नहीं खोजे जाने तक उसके असर को कम करने वाले उपाय के तौर पर भरपाई कर सके। COVID-19 और भविष्य में आने वाली दूसरी महामारियों से मुकाबला करने को लेकर ये कारगर होगा। हालांकि BCG लंबे वक्त के लिए कोई समाधान नहीं देती है। ब्रिटेन में साल 2005 के बाद से BCG के टीके का प्रयोग नियमित तौर पर नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि वहाँ TB के मामले बहुत कम हैं। इसके अलावा ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी और श्वेत रक्त कोशिका विकसित करने के लिए भी तैयार नहीं करता है, जबकि ये दोनों ही कोरोना वायरस से मुकाबला करने में कारगर साबित होते हैं। लेकिन अभी भी मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर सिर्फ कोरोना से सीधे तौर पर निपटने वाली वैक्सीन की तलाश करना ही है। ऐसी 10 वैक्सीन क्लिनिकल रिसर्च के अंतिम चरण में है, जिसमें से एक वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में तैयार की जा रही है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने BBC को बताया, ज्यादातर वैक्सीन इस तरह से तैयार की जाती हैं कि वो जिस रोगाणु के लिए तैयार की गई हैं उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। लेकिन एक बेहतर इम्यून सिस्टम तैयार करने के लिए उस विशेष रोगाणु के अलावा दूसरे रोगाणुओं से मुकाबला करने की भी क्षमता विकसित करनी होती है ताकि भविष्य में भी वे कारगर रहें। वे कहते हैं, समस्या ये है कि आज मैं ये नहीं बता सकता कि आप दूसरे वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।